यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 37 से लेकर 39 तक। फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, पर्व का अंतिम दिन यानी त्योहार के अंतिम दिन बहुत लोग इकट्ठे हुए थे। प्रभु यीशु खड़ा होकर बोलने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। और वचन आगे कहता है, ये उसने इसीलिए कहा कि जो उस पर विश्वास करने वाले हैं, उनके ऊपर परिशुद्ध आत्मा आने वाला था, परमेश्वर का आत्मा आने वाला था। उस आत्मा के बारे में उसने कहा, अब तक आत्मा दिया नहीं गया था क्योंकि अब तक यीशु का महिमा नहीं हुआ था। यीशु मरने वाला था, मरने के बाद तीसरे दिन उठने वाला था, लोग देखने वाले थे और यीशु का महिमा होने वाला था। ये घटना अभी तक हुई नहीं थी, इसलिए पवित्र आत्मा दिया नहीं गया था। पवित्र आत्मा बाद में आने वाला था, लेकिन प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के बारे में कहा है कि जो यीशु पर विश्वास करेगा, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये वचन उसने पवित्र आत्मा के बारे में कहा है, परिशुद्ध आत्मा के बारे में कहा है, जो आत्मा परमेश्वर से हमारे पास डायरेक्ट आता है, उसके बारे में कहा है। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनको पवित्र आत्मा दिया जाता है, उनको परिशुद्ध आत्मा दिया जाता है। क्या चीज है भाई और बहनों, जब हम जन्म लेते हैं, हमारे पास शरीर रहता है, हमारे पास बुद्धि रहती है, दिमाग रहता है, हमारे पास दिल रहता है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता है। हमारे पास शरीर रहता है, दिमाग जिसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, वो दिमाग रहता है, दिल रहता है, हमारी जान रहती है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता है। और जो हमारे पास है वो सीमित कार्य करता है, मर्यादित कार्य करता है, उसको बहुत 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 मर्यादा है। शरीर को मर्यादा है, आंखों को मर्यादा है, बुद्धि को मर्यादा है, सबको मर्यादा है। ये जो मनुष्य परमेश्वर ने बनाया है उसको सीमा है, अंग्रेजी में कहते हैं लिमिटेड, एवरीथिंग इन योर बॉडी इज लिमिटेड। जो शरीर में जो कुछ है उसको वो लिमिटेड है। जैसे कि मुझे दो आंखें हैं तो मैं सामने की चीजों को देख सकता हूं, पिछले चीजों को नहीं देख सकता। मनुष्य इस धरती पर जो मनुष्य है वो सामने की चीजों को देख सकता है, पीछे की चीजों को नहीं देख सकता है। क्यों नहीं देख सकता है? भगवान ने उसका शरीर इस तरीके से बनाया है क्यों वो केवल आंखों से देख सकता है। भगवान ने केवल दो आंखें उसको दिए है और दो आंखें केवल सामने की चीजें देख सकती है। हम सुन सकते हैं, लेकिन कहां तक सुन सकते हैं? हमारे पास दो कान है, हम समझो आधा किलोमीटर का आवाज सुन सकते हैं, उससे ज्यादा लंबा कुछ है हमें सुनाई नहीं देता है। हमारे कानों को मर्यादा है, हमारे आंखों को मर्यादा है। हम बांस ले सकते हैं, लेकिन कब कहां तक, कुछ हद तक, उसके लंबे कुछ है हमें नहीं बांस आ सकता है। जो शरीर परमेश्वर ने बनाया है उसको मर्यादा है, इस एक मर्यादा के बाहर कुछ नहीं हमें हमारे समझ में आता है। वैसा हमारा दिमाग है जिसको हम बुद्धि कहते हैं, ब्रेन, वो दिमाग चलता है, विचार करते हैं, लेकिन उस विचार शक्ति को मर्यादा है, उसके आगे नहीं जा सकते हैं, एक हद है, उस हद के बाहर हम नहीं जा सकते हैं।
बहुत सी चीजें हम सोच भी नहीं सकते हैं। पूरे शरीर को मर्यादा है, पूरा शरीर एक हद तक जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता है। और कोई मनुष्य जन्म से पवित्र आत्मा लेकर नहीं आता है, बहुत अपवादात्मक ऐसा हो सकता है, एक्सेप्शनल केसेस, जैसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से जन्म लिया, कोई आदमी जन्म से पवित्र आत्मा लेकर नहीं आता है। पवित्र आत्मा दिया जाता है मनुष्य को। पवित्र आत्मा क्या चीज है? हम यहां बार बार पवित्र आत्मा के बारे में कहते हैं, मराठी में पवित्र आत्मा कहते हैं, हिंदी में परिशुद्ध आत्मा ज्यादा कहते हैं, और अंग्रेजी में होली स्पिरिट कहते हैं। ये पवित्र आत्मा क्या होता है? ये पवित्र आत्मा जो है मनुष्य को एक्स्ट्रा दिया जाता है। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा यानी तुम्हारे पास शरीर है, तुम्हारे पास आंखें है, तुम्हारे पास दिमाग है, मनुष्य हो तुम, लेकिन तुम्हारे पास परमेश्वर का आत्मा दिया जाता है। यह आत्मा सीधा परमेश्वर से आता है, वो परमेश्वर अपनों को हमें देता है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है, हमारा जो शरीर है जो एक हद के बाहर नहीं जा सकता है, वो शरीर अपनी हद के बाहर जाना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, जो हमारा शरीर है जो एक हद के बाहर नहीं जा सकता है, पवित्र आत्मा मिलने के बाद वही शरीर जो है हद के बाहर जाना शुरू करता है। वो शरीर को हद नहीं रहती है, मनुष्य के जीवन में हद नहीं रहती है, मर्यादा नहीं रहती है। जो सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता है, वो पवित्र आत्मा जिसके पास है वो कर सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर का आत्मा है, उसके अंदर है, तो उसके पास परमेश्वर का सामर्थ्य है, मनुष्य का सामर्थ्य नहीं है। ये संसार में तीन शक्ति है, एक शक्ति है मनुष्य की शक्ति, एक शक्ति है परमेश्वर की शक्ति, और एक शक्ति है शैतान की शक्ति। ये संसार में तीन का शक्तियां है, एक मनुष्य की शक्ति, एक परमेश्वर की शक्ति, और एक शैतान की शक्ति। यदि मैं किसी आदमी को धकेल के गिराऊं, तो वो मेरी मनुष्य की शक्ति है, मेरे हाथ में बाहु में शक्ति है जो परमेश्वर ने मुझे दी है। जब मैं निर्माण हो गया, बड़ा हो गया, मेरे शरीर में मैं खाना खाते जा गया, तो मेरे शरीर में शक्ति आई, उस शक्ति के हिसाब से मैं किसी आदमी को ढकेल के गिरा सकता हूँ। ये मनुष्य की शक्ति है। कभी कभी एक आध औरत होती है जिसके अंदर शैतान की शक्ति होती है, कितने औरत उसको पकड़ती है, पकड़ने वाली औरतें गिरती है, लेकिन वो औरत नहीं पकड़ सकते आप। आपको मालूम है जब प्रार्थना शुरू होती है कितने औरतें कितने मर्द वाइल्ड होते हैं। हम अंग्रेजी शब्द यूज करते हैं वाइल्ड होना, वाइल्ड होना यानी कंट्रोल के बाहर जाना, ये शैतान की शक्ति होती है। और तीसरी शक्ति है परमेश्वर की शक्ति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आता है, तो हमारे मनुष्य की शक्ति तो रहती है, उसके साथ परमेश्वर की शक्ति आती है। और जब परमेश्वर की शक्ति हमारे अंदर आती है, हम ऐसी चीजों को कर सकते हैं जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि मेरे पास कोई बीमार आदमी आया और मैंने उसको दवा दिया, और दवा लेने के बाद वो आदमी ठीक हो गया, तो मैंने उसको मनुष्य के शक्ति से ठीक किया। यदि मेरे पास कोई बीमार आदमी आया, मैंने उसको दवा दिया, और दवा लेने के बाद वो आदमी ठीक हो गया, तो मैंने उसको मनुष्य के शक्ति के द्वारा ठीक किया। यदि मेरे पास कोई आदमी आया और उसके सर पर मैंने हाथ रखा, बीमार आदमी के सर पर हाथ रखा, और बाद में वो आदमी ठीक हो गया, तो मैंने उसको परमेश्वर की शक्ति से ठीक किया। हालेलुया, हालेलुया। और कोई लोग बीमार आदमी शैतान के पास भी जाते हैं, उनको वो भी कुछ देते हैं, वो थोड़े दिन तक ठीक रहता है, फिर से बीमारी आती है, वो शैतान की शक्ति है। मैं मनुष्य की शक्ति के बारे में बोलता हूँ, परमेश्वर की शक्ति के बारे में बोलता हूँ, शैतान की शक्ति के बारे में मैं नहीं बोलता। मनुष्य की शक्ति क्या होती है? मनुष्य दिमाग चलाता है, जड़ी बूटी बनाता है, दवा बनाता है और दवा देता है, दवा से लोग ठीक हो जाते हैं, वो मनुष्य की शक्ति है।
परमेश्वर की शक्ति क्या है, सर्प हाथ रखा यीशु के नाम से ठीक हो जाओ और ठीक हो जाता है, ये परमेश्वर की शक्ति है। और कहां शैतान के लोग रहते हैं, जहां कोई लोग जाते हैं वो कुछ देते हैं वो ठीक होते हैं, लेकिन थोड़े दिन के लिए कभी कभी डबल हो जाता है। भाई और बहनों, यदि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आता है, तुम्हें पवित्र आत्मा मिलता है, प्रभु यीशु कहता है तुम्हारे हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहने लगती है। जीवन के जल की नदियां क्या होती है, परमेश्वर का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर से बाहर आता है। तुम मुंह से शब्द बोलते हो, लोगों को जीवन मिलता है, तुम्हारे शब्द से लोग ठीक हो जाते हैं, तुम्हारे हाथ रखने से लोग ठीक हो जाते हैं, तुम्हारे पड़ोस में रहने वाले लोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर से प्रकाश बाहर आता है। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा अंदर रहता है, तब जब हम यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, विश्वास रखते हैं, हमें पवित्र आत्मा दिया जाता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, तो हमारे अंदर से जीवन के जल की नदियां बहती है। मैंने आपको बताया कि मनुष्य, साधारण सा मनुष्य जो होता है उसके जीवन को सीमा रहती है, लेकिन जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आता है तब मर्यादा नहीं रहती है। जो साधारण सा मनुष्य नहीं देख सकता है हम देख सकते हैं, जो साधारण सा मनुष्य नहीं कर सकता है हम कर सकते हैं। मैं कभी यहां से प्रार्थना के दौरान संदेश देता हूं, मैं कहता हूं ऐसा ऐसा नौजवान लड़का है, नौकरी के खोज में है, यहां आया है और प्रभु उसको नौकरी दे रहा है। एक औरत है, नौजवान औरत है, उसके पेट में कुछ बीमारी है, वो बीमारी अभी प्रभु यीशु निकाल रहा है। लोग आके बोलते हैं, जब संदेश दिया उसी वक्त उठकर देखा तो पेट की बीमारी चली गई थी। अभी मैं यहां बैठा हूं, मैंने किसी से मुलाकात नहीं की है, मेरी आंखें बंद है, मुझे कैसा मालूम हो गया यहाँ एक औरत ऐसी है। एक संदेश या एक लड़का है जो साइकिल से गिरा है, उसके कारण उसका दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, उसको मार बिठा है, दुखता है, वैसा ही वैसा लड़का था। उसने बोला था कि जब साइकिल से मैं गिरा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा मार बिठा था, लेकिन ब्रदर ने जब संदेश दिया मेरी बीमारी चली गई, मार जो दर्द था चला गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करने से कैसे मालूम हो जाता है यहां कौन है, कैसी बीमारी है, ये मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है तब हम मनुष्य के हद के बाहर जाते हैं, जो मनुष्य नहीं कर सकता है हम कर सकते हैं। जब मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा आता है तब वो मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं रहता है, वो असाधारण मनुष्य बनता है। जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है वो चीजें वो मनुष्य कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की शक्ति आती है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है कि उसके अंदर से, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। बहुत अर्थपूर्ण शब्द है जीवन के जल की नदियां, यानी जो कुछ मैं करूंगा, जो कुछ मैं बोलूंगा, उससे मेरे पड़ोस में रहने वाले लोगों को जीवन मिलेगा, उनका फायदा हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा, वो मेरे शब्दों को सुनेंगे आगे जाएंगे, वो मेरे प्रार्थना लेंगे आगे जाएंगे, वो मेरे पड़ोस में भी रहेंगे, उनकी प्रगति हो जाएगी, क्योंकि मेरे अंदर से जीवन के जल की नदियां बहती है, उनको जीवन मिलता है, जीवन मिलता है, जीवन मिलता है, जीवन मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि समझो मेरे सामने एक लड़का है जिसको नौकरी नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूं उसको नौकरी मिलती है, कोई औरत है जो बीमार है, मैं प्रार्थना करता हूं उसकी बीमारी चली जाती है, कोई मनुष्य है जिसके परिवार में शांति नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूं उसके परिवार में शांति आती है, तो किसी की बीमारी चली जाती है, किसी को नौकरी मिलती है, किसी को शांति मिलती है, और किसी की शराब की आदत है वो निकल जाती है। ये सब क्या है, ये सब जीवन है। यदि मनुष्य शराब पीता है वो मौत के दिशा में चल रहा है, यदि मनुष्य के जीवन में शांति नहीं है वो मौत की दिशा में चल रहा है, यदि मनुष्य के जीवन में बीमारी है वो मौत की दिशा में चल रहा है। जब बीमारी चली जाती है हमें जीवन मिलता है, जब शराब पीने की आदत चली जाती है हमें जीवन मिलता है,
प्रभु यीशु हमें जीवन देता है, वो जो कुछ करता है हमें जीवन मिलता है। यदि कोई नौजवान लड़का यहां आकर बोलेगा 3 साल में बेकार हूं, मुझे नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं थी, लेकिन गए हफ्ते में यहां आया और मुझे प्रभु का आशीष मिला और मुझे नौकरी मिली, भाई और बहनों ये आनंद की बात है। कोई आदमी बोलेगा कैंसर ठीक हो गया क्या? सब लोग क्या कैंसर से पीड़ित है? ये कैंसर क्या आदमी नहीं है, लेकिन उसका दुख अलग है। उस वो नौजवान लड़का है, उसकी नौकरी नहीं है, उसको नौकरी मिली बहुत भारी चीज है, हालेलुया। कभी कभी कोई औरत आके गवाह देती है 6 महीने से मैं बुखार से पीड़ित थी और यहां आकर मेरा बुखार चला गया। आप सोचेंगे बुखार क्या बड़ी बीमारी है? बुखार बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन उस औरत के लिए ये बड़ी बीमारी है। 6 महीना उसके शरीर में बुखार है तो क्या वो बड़ी बीमारी नहीं है? कोई औरत आके बोलेगी मेरे पति 20 साल से शराब पीते थे, यहाँ प्रार्थना केंद्र में आने के बाद अभी शराब पीना बंद हो गया, उसके लिए वो बड़ी गवाह है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जो कुछ करता है हमारे जीवन में हमारा फायदा होता है। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो बीमारी निकालने वाला परमेश्वर है, हमें नौकरी देने वाला परमेश्वर है, धंधे पे आशीष देने वाला परमेश्वर है, मकान देने वाला परमेश्वर है। कभी आप आते हैं प्रार्थना सभा में, आपकी बेटियां की शादी नहीं होती है, प्रभु यदि वो आशीष आपको देता है, बेटिया की शादी होती है, कितनी अच्छी बात है। प्रभु जो कुछ करता है हमारे जीवन में हमारे भले के लिए करता है, हमारे अच्छे के लिए करता है, इसको ही बाइबल में जीवन कहते हैं। हमें जीवन मिलता है, प्रभु हमें जो कुछ देता है हमें जीवन मिलता है। तो जब हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता है, हम जो कुछ बोलते हैं और करते हैं उससे लोगों को जीवन मिलता है, उससे लोगों को जीवन मिलता है। किसी की बीमारी चली जाती है, किसी को नौकरी मिलती है, किसी की शराब चली जाती है, किसी को और कौन सा आशीष मिलता है, लेकिन उसको जीवन मिलते रहता है। साधारण सा मनुष्य नहीं कर सकता है, साधारण सा मनुष्य क्या कर सकता है मैं बताता हूं, मनुष्य की शक्ति क्या है। अभी देखो ऐसा नहीं है कि अभी देखो मैंने इसको धकेला तो एक आदमी नहीं गिरता है। हो सकता है कोई आदमी कराटे चैंपियन है, हो सकता है कोई आदमी बॉडी बिल्डर है, वो ढकेलेगा तो एक आदमी गिर सकता है, नहीं ऐसा नहीं, वो ढकेलेगा तो एक आदमी गिर सकता है, वो ज्यादा ढकेला तो समझो ताकत से 2 आदमी को गिराएगा या 3 आदमी को गिराएगा, लेकिन इसके बाद नहीं, एक हद है। ये संसार का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर है, उसको यदि पूछा गया तुम ढकेल के कितने आदमी को गिरा सकते हो, हो सकता है वो 3-4 आदमी को गिराएगा, उसके बाद नहीं। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है तो मनुष्य की शक्ति नहीं काम करती है, परमेश्वर की शक्ति काम करती है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यीशु का चेला, उसका नाम पौलुस था, वो कहता है जो मुझ में काम करता है, कार्य करता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ करने के लिए शक्तिमान हूं। वो क्या कहता है, जो मेरे अंदर काम करता है उसके द्वारा, उस परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ करने के लिए शक्तिमान हूं, मेरे पास शक्ति है सब कुछ, क्योंकि मैं नहीं करता, मेरे अंदर परमेश्वर है, वो परमेश्वर करता है। पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, जब हमारे अंदर आता है जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है हम कर सकते हैं, जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है हम कर सकते हैं। अभी साधारण मनुष्य का आप पूछो, एक साधारण मनुष्य का आप पूछो कि अभी समझो भुईगांव के नाके पे कितने लोग खड़े हैं, कोई बोल सकता है? कैसा बोलेगा? वो ऐसा देखेगा भुईगांव का नाका दिखता है क्या? नहीं दिखता है। वो बोलेगा मैं कैसे बताऊं, मुझे थोड़ी दिखता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो है जिसके पास है वो आंखें बंद करेगा और बोलेगा अभी 4 आदमी ये बाजू में खड़े है, 6 आदमी वो बाजू में खड़े है, एक बस आ रही है, वो बता सकता है। क्यों? जब आंखें बंद करता है परमेश्वर का आत्मा उसे बताता है, परमेश्वर का आत्मा उसे बताता है। जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है परमेश्वर का आदमी कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है हम मनुष्य नहीं रहते हैं या साधारण मनुष्य नहीं रहते हैं,
हम असाधारण मनुष्य बन जाते हैं। साधारण मनुष्य बोलेगा तो कॉमन मैन, यू बिकम अनकॉमन मैन, यू बिकम अ स्पेशल मैन। आप खास मनुष्य बन जाते हैं, आपके अंदर खास शक्ति आती है जो दूसरे मनुष्य के पास नहीं रहती है। दूसरे मनुष्य कर सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। जैसे कि बॉडी बिल्डर लोगों को गिरा सकता है लेकिन कितने, दो चार, उसकी ताकत बहुत होगी तो ऐसा करेगा, दो चार आदमी गिरेगा लेकिन ज्यादा नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, ऐसी शक्ति आप कहां देखते हैं? मनुष्य की शक्ति में बताऊं, आप सिनेमा में देखते हैं, लेकिन सिनेमा से भी और एक ठिकाना है ज्यादा हम देखते हैं, सर्कस। सर्कस में हम देखते हैं मनुष्य की शक्ति। सर्कस में जो मनुष्य की शक्ति होती है वो ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, उससे ज्यादा शक्ति कहीं दिखाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अभी सिनेमा में भी तो कुछ भी दिखा सकते हैं, एक आदमी पैर निकलता है 10 आदमी गिर जाती है, और सिनेमा में वीडियो शूटिंग होती है सब। तो प्रभु यीशु कहता है, मेरे पर विश्वास रखने वाले के हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे तो आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। आपके अंदर यदि पवित्र आत्मा आता है तो आप ऐसी चीजों को कर सकते हैं जो चीजें सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता है, साधारण सा मनुष्य नहीं कर सकता है। ऐसी चीजें आप कर सकते हैं यदि आपके अंदर हृदय में परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता है। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है। धन्यवाद।